राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस में भाग लेकर लौटी बीडीसी राजकीय कन्या विद्यालय नूरपुर की छात्रा का स्कूल प्रबंधन द्वारा स्वागत किया गया। स्कूल की प्रिंसिपल चंद्ररेखा शर्मा ने बताया कि राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस परेड में बीडीसी कन्या विद्यालय की एनएसएस वॉलंटियर मोनिका का चयन होना गर्व की बात है। उन्होंने बताया कि छात्रा ने विभिन्न स्तरों पर अच्छा प्रदर्शन करते हुए राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस परेड में अपना स्थान बनाया और इसमें भाग लिया। उन्होंने बताया कि मोनिका ने कठिन ट्रेनिंग के बाद ये मुकाम हासिल किया है। उन्होंने कहा कि इतने बड़े जिला में चयनित होना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि अन्य बच्चों को भी मोनिका से सीख लेनी चाहिए और मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए। चंद्ररेखा शर्मा ने बताया कि कोरोना के बावजूद भी खुद को इस स्तर पर फिट रखना चुनौती भरा रहता है, साथ ही में बर्फबारी के बीच अपने हौसलों को बनाए रखना भी आसान नहीं होता। बीटीसी की तरफ से एनएसएस वॉलंटियर मोनिका देवी, जो कि शिमला में परेड करके वापस लौटी है, गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया है इसने। ये हमारे क्षेत्र के लिए, नूरपुर के लिए, जिला कांगड़ा के लिए गर्व की बात है। हमारी तरफ से यानी बीटीसी स्कूल की तरफ से ये पांचवा या छठा अवसर है कि कोई न कोई बच्ची जो है वो गणतंत्र दिवस में हिस्सा लेकर के लौटती है। और मोनिका देवी का प्रयास जो है वो शुरू से इसका जज्बे के अनुसार चलता रहा है, क्योंकि इसका जज्बा है कि मुझे पुलिस में जाना है या मुझे आर्मी में जाना है। ये स्काउटेंट गाइड के अंदर भी रही है जब तक ये 10th क्लास में पढ़ती थी। तो इसका जो सिलेक्शन था हुआ था जब शाहपुर से, फिर इसको ऊना में भेजा गया था 5 दिन के लिए। तो वहां से ही इन्होंने शिमला के लिए निकलना था, लेकिन वो जो 5 दिन का इनका ट्रेनिंग था वो बहुत सख्त ट्रेनिंग होता है, और सख्त ट्रेनिंग के अंदर वहां लगभग 150 से 200 बच्चे के बीच में सिलेक्शन मिलती है। तो जिला कांगड़ा, जबकि बहुत बड़ा जिला है, यहां से सिलेक्शन होना बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मोनिका ने अपने प्रयासों से, अपनी प्रैक्टिस के माध्यम से, जो वहां पे चयन करता थे उनके दिलों में जगह बनाई, या प्रैक्टिस पे खरी उतरी और ये शिमला के लिए सिलेक्ट हुई। 18 तारीख को ये लोग कांगड़ा से चले थे, शाम को शिमला पहुंच गए, और पिछले कल ही 4 बजे जो है शिमला से पहुंची है, और कांगड़ा से हम लोगों ने स्कूल की तरफ से इनको रिसीव किया है। तो इस तरीके के प्रयास जो है हर वर्ष होते रहे इस तरीके की बच्चियां, जबकि कोरोना काल लगा है तभी बच्चियों ने अपने आप को मेंटेन कर रखा है, अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखा है, तभी ऐसे बच्चे सिलेक्शन ले पाते हैं। तो जैसा इसका एम है कि मुझे पुलिस में जाना है या आर्मी में जाना है, तो हम सबका आशीर्वाद इसके साथ रहेगा कि इसका लक्ष्य ये अचीव करे, साथ ही साथ पढ़ाई पे भी पूरा ध्यान दे। और जो आने वाले और एनएसएस वॉलंटियर हैं हमारे पास, जूनियर बच्चे हैं, उनके लिए ये प्रेरणा स्रोत है। ये वर्दी ही अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है और बच्चों के लिए। तो अभी तो स्कूल बंद है, जितने भी हमारे टीचर आज काम के लिए आ रखे हैं यहाँ पर, हमारे एसएमसी प्रधान जो है सुनील कुमार पिंटू जी विशेष स्वागत के लिए यहाँ पर पधारे हैं। तो विद्यालय पहुंचने पर इसका स्वागत किया गया है, और जब भी हमारा कोई स्पेशल डे होगा उस दिन हम इनको पूरे स्टाफ की तरफ से, पूरे बच्चों की तरफ से सम्मानित करेंगे। तो ये हमारे प्रोग्राम ऑफिसर मैडम अंजू जी और मैडम नवीन जी, इन दोनों का भी ये प्रयास रहता है कि हमारी बच्चियां अच्छा करें, अच्छा करके बाहर निकलें। तो जब स्कूल में 7 दिन का कैंप लगता है वो इनका बेसिक कैंप होता है कि वहां से वो अच्छा करें। तो जो बच्चे अच्छा करते हैं वो कहीं ना कहीं जरूर नाम कमाते हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, हमारे बीटीसी स्कूल के लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारी बच्ची शिमला होकर के आई है। इसके लिए मैं अपने प्रोग्राम ऑफिसर्स को, अपने पिंटू प्रधान जी जो एसएमसी प्रधान है, इनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि इनके सहयोग के बिना ये कार्य जो है नहीं हो सकते। एनएसएस वॉलंटियर जिला कांगड़ा की ओर से हम 26 जनवरी परेड के लिए शिमला के लिए गए थे। पहले हमने यहाँ मेरा 7 दिन का स्कूल में कैंप लगा था, एनएसएस कैंप लगा था, वहां से मेरी प्रोग्राम ऑफिसर की ओर से मेरी सिलेक्शन हुई थी। उसके बाद हमने शाहपुर में गए थे, शाहपुर से मेरी सिलेक्शन हुई थी। उसके बाद हमने 5 दिन का ऊना में कैंप लगा था, उसके बाद हम मेरी सिलेक्शन वहां से की गई। फिर उसके बाद हमने 18 जनवरी को हमने शिमला के लिए यहां से निकले थे। 18 से लेकर 26 जनवरी तक हमारा शिमला में आरडी कैंप लगा था। हमें सुबह 6 बजे उठाया जाता था, उसके बाद हमें फ्रेश होने का टाइम दिया जाता था, फिर हमें 7:30 बजे वहां पर मॉर्निंग असेंबली और एक्सरसाइज के लिए बुलाया जाता था। वहां पर एक्सरसाइज करवाई जाती थी, भारी बर्फबारी के बीच भी हमने वहां पर एक्सरसाइज करवाई जाती थी। फिर उसके बाद हमें 8:30 बजे हमारा ब्रेकफास्ट होता था। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमें 9:30 बजे रिज मैदान शिमला की ओर लेकर चलते थे वो। फिर उसके बाद 12:30 तक हमें भारी बर्फबारी के बीच हमें वहां पर रिहर्सल करवाई जाती थी। उसके बाद हमें 12:30 बजे वहां से छोड़ दिया जाता था। फिर हम स्कूल में लाल पानी में आते थे, फिर वहां पर हमें लंच करवाया जाता था। फिर उसके बाद भारी बर्फबारी के बीच हमें वहां पर रिहर्सल करवाई जाती थी। और हम डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की ओर से 16 बच्चे गए थे, और हमने 16 में से एक मैं भी हूँ जिसने पूरे कांगड़ा को रिप्रेजेंट किया था।
फिर उसके बाद हमारे शाम के कल्चर के प्रोग्राम होता था, उसके लिए हमें रिहर्सल करवाई जाती थी। रिहर्सल के बाद हमें शाम का जो कल्चर होता था उसके लिए हमें प्रैक्टिस की, हमने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हुए बच्चों का कल्चर देखा और अपनी जिंदगी में उन्हें ढालने का प्रयास किया। फिर उसके बाद हमें शाम का कल्चर करते थे, फिर उसके लिए उसके बाद हमें रेस्ट दिया जाता था और हम उसके बाद आराम करते थे। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा के रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।